आपको क्यों चेहरा चाहिए? तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह दिख जाता है। वो दोनों बार ऑपोजिट आइडियोलॉजी से हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बार बार उसी आदमी का नाम क्यों उठा रही है। हिंदू है वो, चुन चुन के गोली मारना चाहते हैं। सवाल सीधा सही है जो अभी आपने देखा। मुर्गों की लड़ाई देखने की आदत पड़ गई है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में CAA को लेकर अभी सुनवाई चल रही है, फैसला आने को है, तो इंतजार क्यों नहीं किया जाता? आपका हक है विरोध प्रदर्शन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपका हक है। लेकिन उन लोगों के हक का क्या जो रोज वहां से गुजरते हैं, जिनको अस्पताल जाना है, स्कूल जाना है? देखिए, अपने पहले सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि विरोध करना जो है वो सबका हक है, तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जहां तक अगर मेरे ख्याल से आप चक्का जाम की बात आप शाहीन बाग के सिलसिले में कर रही होंगे, आई एम श्योर, तो ये तो आपको भी पता होगा, भी आजकल बार बार आ रहा है कि वो जो ब्लॉकेड है वो मेनली पुलिस ने करा हुआ है, और वो रास्ता जो है वो खोला जा सकता था, वो उन लोगों की वजह से वो रास्ता जो है पूरे हर वक्त जो बंद है उनकी वजह से नहीं था। पहली चीज तो यही आ जाती है। तो बार बार ये बोलना कि चक्का जाम कर दिया, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, एम्बुलेंसेज और ये सारी चीजें जो है उनको गुजरने दिया जा रहा था जितना भी पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की थी। तो पुलिस बैरिकेड हटा देगी तो जिशान आप ही वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि देखो पुलिस नहीं है, हम लोगों की सिक्योरिटी कौन नहीं, करेगा? नहीं, 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 ये देखिए कोई भी आकर यहाँ पर घुस जाएगा जी, घुसने वाले अपने वक्त पे घुस गए, रास्ता बंद करके। बस एक सेकंड, दोनों तरफ का मैं क्लैरिफाई कर, मैं स्वरा को भी, आपको भी और तिग्मांशु को भी बस क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। पुराने सवाल का जवाब तो दे दूँ। हाँ, मैं आप बस क्लैरिफाई एक चीज कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, ये वो तमाम सवाल, मोनोलॉग लेने के लिए बुलाया है हम तीनों को, तो आप ले लीजिए। मैं मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बातचीत कर लीजिए। मेरा क्लैरिफिकेशन, ये सवाल नहीं। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर यहाँ पर बैठकर हम सब एक ही आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो उस तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठे सामान्य आइडियोलॉजी के लोग हैं। रूबिका जी, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बस मैं इतना बता रही हूँ, पुलिस ने बंद किया है, वो बैरिकेडिंग करी है, और पुलिस यहाँ पे अगर सिक्योरिटी देनी है इसके लिए जो है एयरपोर्ट से लेके चौक तक सारा एरिया जाम कर दिया जाए, तो ये इस तरह से थोड़ी होता है, करवाली बेइज्जती है ना। सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जामे में भी गोली चली गई, वो वीडियो भी देखा है सब लोगों ने कि पीछे पुलिस खड़ी थी और लड़का गोली चला गया, शाहीन बाग में भी चली है गोली। तो उस तरह से जितनी सिक्योरिटी JNU मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात तो मैं बोलूंगा, JNU में जिस तरह पुलिस बाहर खड़ी थी और अंदर लोग निकल के जा रहे थे, वो तो वीडियो सामने अवेलेबल है। तो जो काम करना था वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ, रास्ते ब्लॉक करने का और उससे एक ये नैरेटिव चला देने का, जैसे अभी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और ये बात लोगों के सामने आ रही है। आधे ज्यादा मेरे ख्याल से 90% लोगों को न्यूज चैनल्स की वजह से ही ये पता है कि शाहीन बाग के लोगों ने वहां से वहां तक का वो पूरी रोड ब्लॉक करी हुई है, और एक साथ 3 स्टेट जो है वो इफेक्ट हो जा रही है, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये जो है इस तरह की खबरें जो है ये गलत तरह से फैलती हैं। तो वो बैरिकेडिंग पुलिस की थी, तो उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचाई इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो अभी वहां पर बने रहेंगे, आप ये कह रहे हैं, क्या वहां से विरोध? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि अच्छा हुआ। मैंने ऑर्गेनाइज किया अच्छा है कि मैं बताऊंगा कि वो कब तक चलेगा। अच्छा, वो औरतें अपनी मर्जी से आगे बैठी हैं, जो उनका पूरा अधिकार है वो बैठेंगी। अच्छा हुआ ये कह दिया आपने, कौन है रिप्रेजेंटेटिव, चेहरा कौन है? आपको क्यों चेहरा चाहिए, आपको क्यों चेहरा चाहिए? बातचीत किससे करेंगे? सबके अलग अलग चेहरे हैं, आपको इनमें से कोई एक चेहरा हमेशा क्यों चाहिए होता लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। यही तो हमारे देश का मजा है ना, हर आदमी अलग अलग है। यहाँ पे भी 4 अलग चेहरे बैठे हैं, आपने खुद बोला कि अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए, अगर अलग आइडियोलॉजीज की जगह होनी चाहिए तो चेहरों की तो बिल्कुल होनी चाहिए, आपको क्यों एक चेहरा चाहिए? स्टूडेंट खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, उसमें अलग अलग चेहरे हैं, आदमी आके खड़े हो रहे हैं, अलग अलग जगह लोग अपने अपने बूते पे अपने अपने लेवल पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका चेहरा छोड़िए ना। साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट से जो मध्यस्थ, जो इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो किससे बात करें, वो भीड़ से कैसे बात करें, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कोई एक चेहरा तो होना जरूरी है ना। उनकी बात हो चुकी है और वो वहां पे गए थे और उन्होंने जाके लोगों से ही बात करी थी। क्या बात, आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग तो जब पहुंचते हैं, आपने सुना, आई एम श्योर आपने भी ये करा ही होगा कि जहां पे अगर आप शाहीनबाग गई होंगी या जहां भी गई होंगी, आपने जब यहां पे इतने सारे लोग देखे
और डिस्कशन होता है तो आप उनमें से थोड़ा सवाल इनसे पूछती हैं, थोड़ा इनसे पूछती हैं, थोड़ा उनसे पूछती हैं। डिसीजन कौन लेगा? सवाल पूछना इज डिफरेंट, डिसीजन लेना। आप वहां पर रहेंगे नहीं रहेंगे, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कोई एक तो फैसला लेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र है। फैसला क्या है? उन लोगों ने एक साथ डिसाइड किया कि वो आके बैठेंगे, वो एक साथ डिसीजन लेंगे कि मूव करना या नहीं करना। उसके लिए मेरी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, इनकी नहीं होनी चाहिए, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। वो जो लोग बैठे हैं वो लोग खुद अपनी बात का जवाब देंगे ना। ऐसा क्यों है कि ये तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह दिख जाता है? तिरंगे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ दिख जाता है। इन द नेम ऑफ बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए ये वही वाली बात, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं काफी जगहों हैदराबाद, मुझे पता था आप लोग कहेंगे कहीं नहीं देखा है, मैं तस्वीर लेकर आई हूं। ऐसे किसी एक आदमी ने? एक आदमी नहीं। अच्छा, अभी गिरिराज सिंह जी ने ये जो एक स्टेटमेंट दी, आपने मेरा शो देखा गिरिराज सिंह वाला? नहीं देखा। बहुत दुखी हुए थे। समझ रहे हो आप? स्टेटमेंट बता दूं मैं, वो बता रहा हूँ आपको कि अब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सबको जाना चाहिए था, पाकिस्तान चले जाने चाहिए था मुसलमानों को 47। नहीं नहीं, इसके चक्कर में कह रहे हैं कि मुझे दुख है। जितने लोग हैं उन सबको उठा के कि ये सारे के सारे ऐसे ही सेम सोचते हैं, वो लड़का गोली चला गया, तो आप क्या बोल रही हैं कि जितने जो हैं इस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सब सच में एक एक आदमी को या जितने हिंदू हैं वो चुन चुन के गोली मारना चाहते हैं? तो एक कहीं कोई एक चीज होती है, कहीं आपके हाथ में उसकी तस्वीर आती है, आप उसको इतना बड़ा ब्लो अप करके दिखाते हैं कि जैसे हर आदमी की वही सोच है। वहां पे कितने लोग बैठे हैं, कितने दिनों से साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे जो वायलेंस की घटना हुई है वो दोनों बार ऑपोजिट आइडियोलॉजी से हुई है, चाहे जामिया हो चाहे शाहीनबाग। इतने लोग एक साथ, लाखों की तादाद में लोग बैठ रहे थे, कोई वायलेंस की घटना नहीं हुई। तो यानी कि वो वायलेंस नहीं करना चाहते। किसी एक आदमी ने कोई बात बोल दी जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, इंडिपेंडेंट एक आदमी के मुंह से निकली हुई बात पूरे ग्रुप को, पूरे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती मैम। जैसे शर्जिल इमाम, मैंने तिग्मांशु धूलिया से पूछा, स्वरा भास्कर से पूछा, शर्जिल इमाम, हाँ शर्जिल इमाम, मैं तो आपसे कह रही थी कि सीए पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं क्यों लेक्चर लगा वो। ओके, यह 13 दिसंबर अलीगढ़ जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम असम को देश से काटने की बात करते हैं। मैं टाइमलाइन बता रही हूँ। 6 जनवरी मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान महक मिर्जा ने फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए। 14 जनवरी बेंगलुरु में सीए विरोध प्रदर्शन में दीवार पर लिखा फ्री कश्मीर। 24 जनवरी अलीगढ़ में एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने भड़काऊ भाषण दिया। 3 फरवरी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी लगी, 50-60 लोगों पर फिर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। 20 फरवरी ओवैसी के मंच पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। 21 फरवरी यानी कल फ्री कश्मीर, फ्री दलित, फ्री मुस्लिम का पोस्टर लगने लगा। ये क्या, ये भटका रहा है सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है? उसको तो अरेस्ट कर लिया गया है ना, शर्जिल इमाम को, ये सारी बातें बोलने की वजह से he has been arrested। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बार बार उसी आदमी का नाम क्यों उठा रही है। उसने करा, उसने जो स्टेटमेंट दी मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता, बट स्टिल मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से उसका क्या, किसी के भी उसमें सेडिशन जैसा जो लॉ है, ये बड़ा ही मुझे जो है कॉलोनियल लॉ वाला है भी वो खैर वही, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन उसका अरेस्ट होना बिल्कुल ठीक है, जो भी उस पर प्रॉपर कार्यवाही है वो करी जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने लोग पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं, सेडिशन चार्जेस आपको थोड़े ज्यादा लगते हैं? आप बताइए इनमें से कितने प्रोटेस्ट, सेडिशन चार्जेस आपको थोड़े ज्यादा लग रहे हैं? लेकिन एक शख्स का ये कहना कि 5 लाख मुसलमान मिल जाए और असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं, ये ठीक लगता है? बिल्कुल गलत। मैंने साफ बोला कि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, आप मेरी बात को चेंज मत करिए। मैंने साफ बोला बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, उसी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल ठीक किया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए कि भाई आपने ये क्या बोला, ये आपने जो देश के खिलाफ बात बोली है आपने, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात बोली है, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है सरकारी तौर पर। मैं तो जेएनयू में तो नारे लग रहे हैं ना कि फ्री शर्जिल इमाम, भाई अब वो कुछ लोग जो लगा रहे हैं, अब आप इस अगेन वही वाली बात आ रही है कि कुछ चंद उनके चक्कर में पूरा हिंदुस्तान, जहां हर जगह पे वो हो रहे हैं प्रोटेस्ट। आप बताइए क्या शाहीनबाग वाले सब खड़े हो गए थे क्या कि शर्जिल इमाम को वो करो? आप मतलब सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आपने देखा होगा, आप कई लोगों को फॉलो भी करती हैं जो इस आइडियोलॉजी के हैं, उन लोगों ने खूब कंडेम किया है कि शर्जिल इमाम जो भी बोल रहा है वो बहुत ही गलत बात बोली है, ये बात नहीं बोली जानी चाहिए। तो जब उसके अंदर ही एक आदमी बगल वाले को कि भाई इस आदमी ने जो बात बोली मैं डिसएग्री करता हूं, जिस तरह से एक देश होना चाहिए, अग्री टू डिसएग्री होना चाहिए,
ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ के एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तिग्मांशु जी, टाइम्स अप है, लेकिन आपसे बात किए बगैर जा नहीं सकते हैं। सवाल सीधा से ये जो अभी आपने देखा, मुर्गों की लड़ाई देखने की आदत पड़ गई है। और आप सबको भी, रोज टीवी पे यही सब देखते हैं, आज भी यही देख रहे हैं। चलिए पूछिए सर, ये वाद विवाद है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर। मैं फिल्म मेकर, वो कलाकार हैं और वो भी एक्टर हैं, तो हम कोई, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी हूं, जो सामने चीजें दिखती हैं उस पे हम अपने विचार रखते हैं। दोनों मेरे साथी जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह ही बात कर रहे थे। अच्छी बात, मैं सवाल तो उनसे वैसे ही करूंगी। आप किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बोलिए फिल्मों में बात करके दिखाइए ऐसे, ये तो तारीफ की बात है, ये तो तारीफ की बात है। हम फिल्मों में काम करने के बावजूद राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, जो राजनीति में रखते हैं उनको आर्ट कल्चर से क्या वास्ता है, उनको बुलाइए बात कराइए मेरी। ये आइडिया वैसे शानदार है तिग्मांशु जी, कोई नया प्लान है आपका? देखिए इस मुर्गा लड़ाई पर एक फिल्म हो जाए, इस मुर्गा लड़ाई पर एक फिल्म बना दे। हाँ अभी तो लड़ाई चल रही है, देखिए किस नतीजे पे पहुंचती है फिल्म, तो तब बनेगी। आपने फिल्म बना दी और फिल्म के अकॉर्डिंग उस नतीजे में पहुंच गए तो फिर आप लोग और गाली देंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पड़ेगा।